फाइनेंशियल लीवरेज अगेन इट्स रिलेटिंग टू द लोन्स द फंड्स वी बोरो. यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग टू इंक्रीज द रिटर्न ऑन इक्विटी बाई डिप्लॉइंग बोरोड जनरेटेड इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द डेट आप एक लोन लेट से दस परसेंट इंटरेस्ट पर ले रहे हैं तो आप जब उसको बिजनेस में लगाएं तो मेक श्योर आपको उससे जो रिटर्न आए ग्रेटर देन टेन परसेंट आए तो फिर तो बात है क्योंकि आपने पैसा आपने एफर्ट्स की अगर आपने उतना ही कमाया जितना कि उनको देना है तो देर इज नो पॉइंट तो कोशिश ये होती है कि जो इंटरेस्ट रेट हम तय कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमें उस पर जनरेट करना चाहिए द इफ़ेक्ट ऑफ गेयरिंग इज नोन दिस लीवरेज इज ऑल्स गेयरिंग बेसिकली लीवर क्या है कि आपको पैसों की ज़रूरत है तो आप नए शेयर इशू करने की बजाय बाहर से पैसा बौरा करते हैं उससे क्या होता है जब बाहर से पैसा आ जाएगा तो आप बिज़नेस को प्रमोट करेंगे चलाएंगे और इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेट लेते हैं कि वो चीपर भी है और दूसरी ये कि वो परमानेंट नहीं है उसको अल्टीमेटली हम पे ऑफ कर देते हैं जबकि शेयर कैपिटल अगर आप इशू कर देंगे तो वो तो आपका परमानेंट कैपिटल है यानी आप ये नहीं कर सकते कि शेयर होल्डर्स आपसे आके कहें कि जी हमें पैसे वापस कर दें नहीं ये नहीं पॉसिबल तो लेकिन लोन के केस में ये है कि पहले से टर्म्स तय हैं कि कितना इंटरेस्ट पे करना है और कब रीपे करना है द इफेक्ट ऑफ गेयरिंग इज टू रिड्यूस द रिटर्न ऑन इक्विटी ए कंपनी विद हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्रायर चार्ज कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड इज हाईली गेयर्ड हाई गेयर और लो गेयर ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है कि अगर आप लोन ऐड करते चले जा रहे हैं कंपेयर टू इक्विटी तो वॉट विन हैपन कि जी आप ये समझें कि आप लैंडर्स के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि अब पहले आपने उनको पे करना है फिर कुछ बचेगा तो शेयर होल्डर्स को पे करेंगे इसलिए हाई गेड जो है वो भी बेहतर नहीं है फाइनेंशियल इवेजेशों में प्रायर ईयर चार्ज कैपिटल जिसमें लॉन्ग टर्म डेट्स हैं और शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड सिंपल रेशो है कि आप इसे डिवाइड करके एक फिगर निकालें कि कितने टाइम आपके लोन हैं कंपेयर टू तो द इक्विटी या नंबर्स में भी कह सकते हैं कि आप अगर दस लाख रुपए के लोन हैं और पाँच लाख रुपए की इक्विटी है तो आपका दो टाइम आ जाएगा आपका विच इज़ टू हाई अकॉर्डिंग टू मी फ्रेशो फ्री वेज फोर वेज देर कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स इच शोज़ द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मली वी कॉल इट इंटरेस्ट कवर आपका प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट को कितने टाइम कवर करता है ऑबियसली uh, वो ज्यादा होगा तो बेहतर होगा क्योंकि आपने उसी प्रॉफिट में से इंटरेस्ट देना है ई बी आई टी दैट इज इंटरेस्ट डिवाइड बाई इंटरेस्ट एक्सपेंस दिस इंटरेस्ट कवर शोज हाउ मनी टाइम्स द प्रोफिट कवर द इंटरेस्ट टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी अच्छा इसमें ये भी है कि सम टाइम हम लॉन्ग टर्म डेट्स को सिर्फ इक्विटी से डिवाइड करते हैं नहीं आप ये देखें ना टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स जो है दो दो तरह से आपके पास एक तो लोन के शक्ल में और एक आपका इक्विटी के शक्ल में तो आप ये देखें ना कि टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स जो हैं उसमें आपका आउटसाइडर का फंड्स कितना है तो इसलिए ये टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डेट्स मीन्स कर्जा जो आप लेते हैं और उसको डिवाइड करें डेट्स प्लस इक्विटी से इट शोज लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग सप्लाइड बाई द डेट टू टोटल लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाई टोटल समटाइम ये भी हम करते हैं जिसमें हम टोटल एसेट्स में ले लेते हैं टोटल एसेट्स में तो ये होता है कि आपके शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स भी आ जाते हैं अगर दूसरी साइड देखें बैलेंस शीट की तो ये भी एक तरीका है इट शोज द कैपेसिटी टू रिड्यूम डेट्स ऑपरेटिंग कैश फ्लो टैक्स पेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड सर्विसज ऑफ फाइनेंस रीपेमेंट ऑफ डेट ड्यू विद इन वन ईयर इट मेयर्स एबिलिटी टू रिडीम डेट्स इंटरेस्ट कवर की बात हो रही ना लेट सी असिक डेट इक्विटी रेशो या लीवरेज में लॉन्ग टर्म डेट्स ए के हंड्रेड थाउजेंड बी के टू हंड्रेड थाउजेंड और टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी ए की टू हंड्रेड थाउजेंड और बी की हंड्रेड थाउजेंड तो यहाँ से आप आप देखें टोटल लॉन्ग टर्म दोनों के बराबर है तीन लाख उसके तीन लाख ही उसी के हैं लेकिन डेट इक्विटी रेशियो निकालें तो ए की बनती है फिफ्टी परसेंट और बी की बनती है टू हंड्रेड परसेंट विच इज़ टू हाई और दूसरे तरीके से आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाई टोटल तो वो थर्टी थ्री एंड थ्री परसेंट बनता है और जबकि बी का जो है वो स्टिल सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स परसेंट बनता है अब इसमें देखें कि ए जो है वो मॉडरेटली गेयर्ड है यानी यहाँ पर आपके पास गुंजाइश है कि अगर आप मजीद लोन लेने जाएँ बैंक के पास तो बैंक आपको एकोमोडेट करेगा लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी ज़्यादा लोन है तो बैंक आपको रिफ्यूज़ कर देगा नंबर वन नंबर टू इसमें यह भी है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक है कि जी, आप लोन नहीं देंगे उस कंपनी को जिसकी सिक्सटी परसेंट या उससे ज़्यादा सिक्सटी परसेंट तो, तो अलाउ है लेकिन सिक्सटी परसेंट से ज़्यादा अगर आपके डेट्स हैं तो आपको बैंक मजीद लोन नहीं देगा तो दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग इफ़ यू वॉन्ट मोर मनी मेक श्योर कि आपकी जो डेट इक्विटी रेशो है वो सिक्सटी परसेंट से नीचे हो टेक्निकली मैं कहा करता हूँ कि ये बैलेंसड होनी चाहिए बैलेंस इन देंस थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होनी चाहिए ज़रूरत पड़े तो आपको मिल भी तो जाए ना पैसे ऐसा ना हो कि आप क्या ऑलरेडी सिक्सटी से अब अब जा रहे हैं तो फिर आपको कोई पैसा नहीं देगा इसलिए ज़रूरी है आप इसको मैनेज करें और यह बहुत ही ज़रूरी है कंपनीज़ के लिए कि आप अपनी डाटा इक्विटी को बिलो सिक्सटी परसेंट ही रखें